माइंड में आया कि मतलब कि हमें CISF का जॉब लेना चाहिए, तो क्या आप तैयारी फिर क्यों नहीं की? जी इस नमस्कार, आप देख रहे हैं SV टॉक्स न्यूज, मैं हूं आपके साथ संतन कुमार। अभी हम झारखंड के बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पे हैं और अभी लगातार CISF का फिजिकल हो रहा है और अभी हमारे साथ जो भैया जी हैं ये फिजिकल का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करने का कोशिश करेंगे, इनका सिलेक्शन हुआ या नहीं जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से आए हैं, तो क्या आपका फिजिकल हो गया, सिलेक्ट हो गए आप? फिजिकल रनिंग में फेल हो गए हैं। रनिंग में फेल हो गए। आप किस तरह से तैयारी करते थे? तैयारी नहीं, मौका नहीं। मैं एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ। यानी कि ये कोचिंग चलाते थे? कोचिंग में आपका क्या क्या मतलब चलता है? 6 to 12 तक के क्लास चलता था उसमें। इसमें हमें लगता है कि आपको दौड़ने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से मेरा मुश्किल से मैंने 5 दिन ट्राई किया था, इसकी वजह से मेरा रनिंग फेल हो गया। जब आपका ये हुआ मतलब एडमिट कार्ड आया तब से आप तैयारी करना स्टार्ट किया? 16 तारीख को एडमिट कार्ड आया, मैंने 17 को एडमिट कार्ड निकाला और 18 से 25 तक मैंने यानी लगभग 1 सप्ताह तैयारी किया। जी, तो आप जिस टाइम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम भी आप कोचिंग चला रहे होंगे? जी सर, 2 जून से ओपनिंग किए थे। माइंड में आया कि मतलब कि हमें CISF का जॉब लेना चाहिए, तो क्या आप तैयारी फिर क्यों नहीं की? जी इसमें थोड़ा सा लगा कि ना CISF में तैयारी करने के, अगर CISF में हो जाता है तो मेरा आगे बढ़ने का स्रोत है, इसीलिए सिर्फ CISF में आया था कि फिजिकल हो जाएगा तो मेरे रिटर्न के लिए दिक्कत नहीं था सर। जी, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी? हाँ, लोग कहें आराम से बराबर आए अपना दौड़े ना, यही है कि कभी रुके ना बीच में ना, उसका बराबर आती इसका फिर रनिंग हो जाएगा, खाली हाँ रुकेगा नहीं ना तो उसका रनिंग हो जाएगा, रेगुलर तैयारी करते रहना है। हाँ, जो रनिंग हुआ स्टार्ट हुआ ना तो उसका रुकना नहीं, बीच में कभी नहीं रुकना है। हमने 2 बार रुक गए थे, इसके वजह से हम रनिंग में मतलब से 15 सेकंड के अंदर गैप से रह गए थे। लोगों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके दौड़ का तैयारी करना चाहिए, फिजिकल का तैयारी करना चाहिए या फिर ऐसे? देखिए ऐसा ये सब जो 5 किलोमीटर दौड़ है ना, इसके लिए कोई फिजिकल एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करेगा, बराबर प्रैक्टिस करेगा ना तो उसका अति हो जाएगा। बाकी 1600 के लिए तो भाई फिजिकल ज्वाइनिंग करे या अपना अपना जैसा अपना। अच्छा, पहले जो वहाँ पे सेंटर पे जाते हैं तो पहले दौड़ करवाया जाता है या फिर और कुछ दूसरा चीज़ करवा जाता है? नहीं, उसे एंट्री करने से पहले सर आपका एडमिट कार्ड पर फोटो चिपकाना रहता है, उसके बाद आपका एंट्री स्लिप आपका टेबल नंबर बताया जाता है, इस टेबल पर जाके आपका एंट्री करवाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेके जो भी डॉक्यूमेंट का जरूरत है वो डॉक्यूमेंट लेके, बाकी जितना भी आप सामान रखे हुए हैं, बैग रखे हुए, अगर किसी पर्सन आए हैं आपके साथ में तो उनको दे दीजिए या अन्यथा वो आप वहीं पर रख दीजिए। उसके बाद आपका जो जो डॉक्यूमेंट रहेगा वही डॉक्यूमेंट, जैसे मैं मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा और OBC लगेगा, जाति आवासीय निवास प्रमाण पत्र लगे, ये सब डॉक्यूमेंट, बाकी 4 में 7 में फोटो लेके जाइए। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं, एकदम CISF का जितना भी आपका वहाँ पर स्टाफ थे बहुत शानदार तरीके से बिहेव किए, कोई किसी तरह से मैंने। एक चीज़ और लोग जानना चाहते हैं कि दौड़ के समय दौड़ से पहले कुछ खा करके जाना चाहिए या नहीं? इसके लिए तो विशेष मेरा कुछ जानकारी आइडिया नहीं है सर। नहीं है। चलिए, आपसे बात करके सर हमें बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। और गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का नया नया वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।